नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2018-19 कक्षा 12 और विषय है आज का हिंदी साहित्य। और दोस्तों, जो आपका जो एग्ज़ाम है वो 70 नंबरों का है और आपके पास समय है 3.25 घंटे। यदि दोस्तों आप भी 12वीं में हो तो इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा ज़रूर देखें, ठीक है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन आया वो सभी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, जो वार्षिक एग्ज़ाम है यानी कि एनुअल एग्ज़ाम, वो भी कुछ इसी तरीके से ही रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर खंड ए है, ठीक है। इसके सभी क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबरों का है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं खंड ब की, तो ये है खंड ब जो कि आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि लेना चाहें तो। ये दोस्तों दूसरा पेज है और इसमें खंड स आ चुका है, ठीक है। स प्रसंग व्याख्या करनी है आपको पद्यांश की, ठीक है ना। तो इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फिर के इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि कौन सा पूछा गया, ये पूछा गया इसके अथवा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए 11वां प्रश्न, स प्रसंग व्याख्या एक बार फिर से, ठीक है ना। तो यहाँ से सही रहेगा आपके लिए स्क्रीन शॉट, ठीक है। और दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो ये है दोस्तों नेक्स्ट पेज, और इसके अथवा में यह पूछा आपको, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, इसमें भी अथवा है। दोस्तों, अथवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादा, तो अपनी प्रिपरेशन को जोरों शोरों पर रखिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करिए, जिससे आपको एक ना आए तो दूसरा तो पक्का ही आए, ठीक है। या 13वां क्वेश्चन, इसमें भी अथवा है। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये है। देखते हैं क्या इसके नेक्स्ट में अथवा है, तो इसके लिए हमें जाना होगा नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों देखिए, 14वें क्वेश्चन के अथवा में कुछ भी नहीं है, सीधा 15वां क्वेश्चन है। 4 नंबर पेज है ये। गुल्ली डंडा खेलने वाले गया की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना। ये सभी आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। बात करते हैं खंड द की, ठीक है। ये खंड द है, पूरा देख लीजिए आप इसे। 22 तक आया अभी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, 22 से आगे ये आपका पेपर पूरा है। तो दोस्तों, इस तरीके से मुझे ये पेपर मिला और मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए। और दोस्तों, मैं आपको आगे मॉडल पेपर भी देने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि दोस्तों आपको लगता होगा इस चैनल से जुड़कर आपकी प्रिपरेशन शायद अच्छी हो सकती है, और यदि आपका दोस्तों कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।